हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं एग्जाम नोटबुक। लास्ट क्लासेस में हमने बात करी थी बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने बात किया रिपीटर के बारे में, मॉडेम के बारे में, ब्रिज के बारे में, स्विचेस के बारे में, और भी बहुत सारे डिवाइसेस की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। ये क्या है, कैसे काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट के बारे में। ये इंटरनेट क्या होता है? एन इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, कोलाबोरेशन टूल्स, ऑपरेशन सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, जहां पे हम बहुत सारे सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जो इंटरनेट है वो क्या, एक तरह का प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है जो उस ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे इंटरनेट सर्वर का एक डायग्राम है, जहां आप देख सकते हैं एक कॉमन सर्वर है और ये सारे के सारे उसके जो अलग अलग नोड्स हैं ये उसके पीसीज हैं, और ये पर्टिकुलर ये सारे के सारे मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे रेलवे का हमारा जो नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क जो खाली रेलवे इस्तेमाल करता है, रेलवे का एक सर्वर होगा, उस सर्वर से जुड़े हुए बहुत सारे ब्रांचेस होंगे और हर ब्रांचेस को ये पर्सनली एक नेटवर्क सप्लाई करता होगा, जो सिर्फ कह सकते हैं रेलवे ही इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया, तो उसे हम कहेंगे इंट्रानेट। ऐसे ही हम बैंकिंग सिस्टम को समझ सकते हैं, जहां पे हम बैंक के एक सर्वर है, बैंक के सर्वर सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, बैंक एक मान लिया स्टेट बैंक है किसी जिले में है, किसी शहर में, तो उसका एक सेंट्रल नेटवर्क होगा जिससे सारे बैंक एक दूसरे से लिंक्ड अप होंगे। तो उस नेटवर्क को जिससे सारे बैंक लिंक्ड अप होंगे वो एक इंट्रानेट नेटवर्क कहलाएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये ग्लोबल सिस्टम नेटवर्क है, यानी कि ऐसा सिस्टम कंप्यूटर है जो कि दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ग्लोबल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। एंड दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, TCP/IP। TCP/IP एक सूट होता है प्रोटोकॉल्स का, जो प्रोटोकॉल्स को हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। वो गवर्न करते हैं किसी सिस्टम में कम्युनिकेशंस कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, उनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होगी, इसका जो रूल है, रेगुलेशन है, वो हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। और इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो यूज करता है TCP/IP। ये कंप्लीट प्रोटोकॉल पैकेज है, एक तरह से कह सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट करता है कि कैसे कैसे डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर होगा। एंड इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें बहुत सारे इंटरनेट के जरिए हम बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, एज वी डे बाई डे हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ के जरिए कि एक हमारी ये पूरी की पूरी जो अर्थ है, ये एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करती है जो पूरे पूरे अर्थ को कवर करती है, और इससे पूरे अर्थ में कहीं से भी सारे के सारे सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकता है, किसी भी लैंड को कनेक्ट किया जा सकता है, किसी भी मैन को, किसी भी। इंटरनेट ऑलवेज ऑल्सो यूजेस इंटरनेट नेटवर्क इन ए कंपनी। इंटरनेट नेटवर्क एक पर्सनल नेटवर्क है, बट उनमें सर्विसेस, इंटरनेट की सर्विसेस भी हम प्रोवाइड करते ही हैं। तो इंटरनेट हमारा क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं, लेकिन नेटवर्कों का नेटवर्क, जहां पे सारे नेटवर्क आपके मिल सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नेट की। एक्स्ट्रा नेट की थोड़ा सा मॉडर्न टर्म है, एंड एक्स्ट्रा नेट इज ए कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है, एक तरह का कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क ये भी है, दैट अलाउ द एक्सेस टू पार्टनर वेंडर्स एंड सप्लायर्स और एन ऑथराइज सेट ऑफ कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट भी एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है, बट वो नेटवर्क क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। बट एक्स्ट्रानेट क्या है, एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है जो कि अपने पार्टनर्स कोई भी हो सकता है, उसको वेंडर सप्लायर कोई भी हो सकता है, उसको ये कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम समझते हैं इस ग्राफ के जरिए, एक सर्वर है,
ये सर्वर हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा नेट का सर्वर है और इससे जुड़े हुए हैं कोई भी पार्टनर, कोई भी ऑथराइज सर्वर, कोई भी लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी हमें इस सर्वर से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। बेसिकली एक्स्ट्रा नेट जो सर्विसेज भारत में इस्तेमाल की जाती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं एज ए टेम्परेरी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में। यानी कि हम किसी एक कंपनी से इंटरनेट सर्विस लेंगे और हम अपना एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करेंगे, अपने एक ऑथराइज पर्सन का नेटवर्क एस्टैब्लिश करेंगे और उनको हम इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क ही है बट इसमें जो सर्विसेज हैं वो हम ऑथराइज पर्सन को दे सकते हैं। नॉट इट इज नॉट लिमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी से इंटरनेट सर्विस कोई सर्विस ले सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी से सर्विस ले सकता है, जिस जो इसको ऑथराइज कर ले उससे ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारा होता है एक्स्ट्रा नेट। अभी थोड़ा सा सबको हम मिला के देखते हैं कि इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट के कौन से एक साथ अगर हम देखें तो कैसा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या करेगा, ये सारे के सारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है हमारा। तो आप देख सकते हैं ये सबसे आउटर लाइन में सब पब्लिक नेटवर्क है। ये क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होने का मतलब ये सारे के सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरा एक्स्ट्रा नेट की। एक्स्ट्रा नेट में देखिए, एक्स्ट्रा नेट भी नेटवर्क ऐसा नेटवर्क था जो कि इंटरनेट इंटरनेट के नीचे आएगा, यानी कि इंटरनेट के बाद एक्स्ट्रा नेट सर्विसेज आएगा। इंटरनेट एक्स्ट्रा नेट, इंटरनेट का कनेक्शन एक्स्ट्रा नेट में होगा और एक्स्ट्रा नेट अपने आप में वो सारी सर्विसेज को स्प्रेड कर देता है। और सर्विसेज जैसे मान लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बीच में कोई मिडिल कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस कर रही है और उस सर्विसेज को स्प्रेड कर देती है लोगों के बीच में, या अपने एक प्राइवेट नेटवर्क बना के। जैसे हम मान लें, थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे यहाँ सीफी नेट चलता है और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और ये एक्स्ट्रा नेट इंट्रानेट भी हो सकता है। इंट्रानेट का एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है और फिर उसको हम लैन को भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं, किसी कस्टमर को भी दे सकते हैं, किसी सप्लायर्स को भी दे सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा नेट है सबको दिया जा सकता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट, एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक और कमेंट्स का भी जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियोस को जरूर देख लें। हम अपने अगली क्लासेस में हम बात करेंगे इंटरनेट के ओरिजिन्स के बारे में, इंटरनेट होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप। थैंक यू।